वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एरोमेटिक्स. टुडे इन द सेशन वी विल स्टडी अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन वी विल गो टू एंट्रोपी. फाइन. सो दीज टू टू थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. सो राइट डाउन द हेडिंग एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. सो वॉट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीजेस, ठीक है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. वेयर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. एनर्जी एब्जॉर्ब्स, ठीक है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीजेस, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विच इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्बिंग, राइट. एंडो मीन्स एब्जॉर्बिंग इन साइड, एक्सो मीन्स रिलीजिंग बाहर की तरफ, ठीक है, इसीलिए रिलीज. फाइन स्टूडेंट, अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहला है इधर इधर एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक में बेसिकली आप ले लो कार्बन का, ले लो कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस क्या ले लें इसमें, H2, राइट, H2 ले लेंगे जो कि गैस है, तो क्या बन जाएगा, CH4 गैस बन जाएगा, है ना, मीथेन बन जाएगा. ये हो गया एक एग्जांपल इसका. दूसरा एग्जाम्पल है, हमने H2 ले लिया विच इज़ अ गैस प्लस हाफ O2 गैस, तो इससे क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड बन जाएगा, ठीक है. और इसका एक एग्जाम्पल आता है सल्फर के साथ जो कि रोम्बिक सल्फर प्लस O2 गैस, ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या बन जाता है, SO2 गैस. फाइन. तो ये हमारे तीन एग्जाम्पल्स हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हमारे वो तीन एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ कम टू एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक में आपने ले लिया हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस से मिलके क्या बन जाएगा, HI विच इज़ ऑल्सो अ गैस, राइट स्टूडेंट. एंड 2C2 गैस प्लस 2H2 गैस, ये मिल जाएगा C2H4 गैस, ठीक है. अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम मीन्स हाउ वी विल अंडरस्टैंड और हाउ वी विल गेट टू नो विच रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक एंड विच रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, राइट. तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके माइंड में आया है. तो मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ ये चीज़, दैट बाई सीइंग एनी रिएक्शन वी कैन नॉट से इट इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. फाइन. बाई सीइंग एनी रिएक्शन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन. But by seeing its experimental value, that is the value of del H, the value of del H, if the value of del H is negative, ठीक है, for example इसी का केस ले लीजिए, अगर इसकी del H की value -93 किलो कैलोरी है, तो आप कह दोगे कि because it is releasing extra amount of heat, right? So इसीलिए ये हमारी हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैसे पता चला, बाय सीइंग द साइन, ठीक है स्टूडेंट. और अगर मैंने कहा कि अगर डेल एच की वैल्यू, मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव 32 किलो कैलोरी, तो ये वाली रिएक्शन हमारी हो जाएगी स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट, है ना, प्रॉफिट हो रहा है इसको, हीट ले रही है मतलब एब्जॉर्ब कर रही है, तो चीज़ें पॉजिटिव में जा रही हैं, तो पॉजिटिव मतलब एंडो, ठीक है. तो ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस लिखी आ सकती हैं एग्जाम में, बट विदाउट सीइंग इट्स साइन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन. फाइन स्टूडेंट, चले आगे, ठीक है. तो ये इतनी सी चीज़ मुझे आपको इसमें बतानी थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में. अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
क्या देखेंगे स्टूडेंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को? तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहला फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में स्टूडेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ही अंडर किरचॉफ सर थे। किरचॉफ सर ने एक इक्वेशन दी थी जिसको किरचॉफ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ही किरचॉफ्स इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वॉज गिवन बाय किरचॉफ सर, राइट। तो इन्होंने क्या कहा था कि एट टी वन टेम्परेचर द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच वन। ठीक है, एंड टी टू टेम्परेचर पे हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी डेल्टा एच टू। ठीक है स्टूडेंट, तो उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर जो हमारा डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज इक्वल्स टू डेल्टा सी पी। हाँ, और ये क्या हो जाएगा, टी वन टेम्परेचर एंड टी टू टेम्परेचर पे डेल्टा एच टू माइनस एच वन इज इक्वल्स टू डेल सी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल सी पी एंड टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और इन्होंने बोला था एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे डेल ई टू माइनस डेल ई वन इज इक्वल्स टू डेल सी वी एट टी टू माइनस टी वन। ठीक है, वॉल्यूम पे हम लोग एनर्जी निकालते हैं, प्रेशर पे हम लोग चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो मेन इक्वेशंस जो है वो किरचॉफ सर ने बताई थी, यही आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर गिवन बाय किरचॉफ सर, वेयर टी वन टेम्परेचर हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच टू एंड टी टू टेम्परेचर हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच वन एंड एच टू। सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हो जाएगा डेल सी पी टी टू माइनस टी वन, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की जगह पे अब हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल स्टेट। इसका मतलब कि जो हमारे फिजिकल स्टेट्स होते हैं ना, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यही तो तीन स्टेट होते हैं, तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि आप सपोज कर लो कि कोई रिएक्शन है, जैसे कि H2 गैस प्लस हाफ O2 ही है, इससे क्या बना स्टूडेंट, H2O बना, सपोज करो लिक्विड बना। सेकंड इक्वेशन H2 गैस प्लस हाफ O2 से हमारा वाटर बना जो कि सॉलिड है। ठीक है, तो इस पे जो हमारी वैल्यू है किसकी, डेल एच की वैल्यू है वो कितनी है, -58 किलो कैलोरी, और इस पे डेल एच की वैल्यू जो है -68 किलो कैलोरी। तो कहने का मतलब ये है कि पाथ तो सेम था, लेकिन यहाँ जो बना हमारा वाटर वो लिक्विड था, ठीक है, और यहाँ जो बना वो वाटर हमारा सॉलिड था। तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू -58 किलो कैलोरी है, यहाँ पे -68 किलो कैलोरी है, मतलब जो उसका फिजिकल स्टेट है उस पर टेम्परेचर डिफरेंट है। ठीक है, यही इससे हम लोग को पता चला। चलिए ये सारी चीज़ें बस आप लोग अपने दिमाग में रखो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है।
एग्ज़ाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत आप लोगों को बेनिफिशियल होंगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चले। आगे आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। थर्ड आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये हम लोगों ने देखा भी है। क्या देखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्यूवी एंड कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू क्यूपी, राइट? क्यूपी, तो क्यूपी हमने प्रूव भी किया था, क्यूपी इज इक्वल्स टू क्यूवी होता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके इक्वेशन। ठीक है, प्लस क्या था, डेल्टा एनआरटी था, और ये इक्वेशन कब होगी, डेल्टा एनआरटी जब हमारा पी डेल वी की वैल्यू ज़ीरो होगी और डब्ल्यू वर्क डन जो होगा हमारा पी डेल वी हो जाएगा। ठीक है, तब क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल एन आर टी, यही तो प्रूफ किया था पिछली क्लास में हम लोगों ने। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू वी एंड कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी, द रिलेशन क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू वी प्लस डेल एन आर टी, फाइन। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर था। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की तरफ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, बट हाँ आप लोगों को आना चाहिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंडर एक सर थे जिनका नाम था क्लेशियस। क्या नाम था उनका, क्लेशियस। सो अकॉर्डिंग टू क्लेशियस सर, व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि जब भी आप लोगों को उन्होंने क्लेशियस सर ने क्या स्टेटमेंट दी थी स्टूडेंट, उन्होंने दी थी कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में जाने के लिए, ठीक है, हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मतलब कुछ वर्क मतलब विदाउट लाइक क्या बोल सकते हैं, जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे तब तक कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हम लोग हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ऐसा बोला था क्लेशियस सर ने। और यही जो इक्वेशन मतलब यही जो स्टेटमेंट है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंडर आती है। उन्होंने कहा कि विदाउट प्रोवाइडिंग वर्क टू एनी सिस्टम वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, राइट। जैसे कि अगर सपोज करो आपके पास पानी है, आपके पास यूटेंसिल है, आपके पास गैस भी है, ठीक है, आपके पास स्टोव भी है, बट अगर आप लोग गैस मतलब गैस सिलेंडर के अंदर अगर एलपीजी नहीं है और आपने चलो है भी तो अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया, जलाया नहीं स्टोव और आपने रख दिया पानी गर्म होने के लिए, तो पानी तो गर्म होगा नहीं, मतलब वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ हीट, ओके, सो दैट द कोल्डर बॉडी कोल्ड वाटर गेट्स हॉटर, राइट। तो वही सेम चीज़ इन्होंने बोली कि जब तक आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में जब आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है तो यू हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा और यही क्लेशियस इक्वेशन है, फाइन स्टूडेंट। तो बस आप लोग इसको जान लो, बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए देर इज़ नो नीड टू राइट समथिंग अबाउट दिस लॉ, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एंट्रोपी। ये इम्पॉर्टेंट है, एंट्रोपी ये एग्ज़ाम में पूछता है। एंट्रोपी क्या होता है स्टूडेंट, एंट्रोपी इज़ नथिंग बट इट्स रैंडमनेस, ठीक है, या फिर कह सकते हो डिसऑर्डरनेस, या फिर कह सकते हो डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये तीन वर्ड्स जो है इसके लिए यूज़ होते हैं, पहला रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस एंड डिस्टर्बेंस, ठीक है स्टूडेंट। तो एंट्रोपी इज़ नथिंग बट इट्स अ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और डिस्टर्बेंस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस, कैपिटल एस। और जो हमारा डेल एस होता है दैट इज़ चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एस टू माइनस एस वन, ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आती है, एस टू माइनस एस वन रिप्रेजेंटेड बाय एस। और नेक्स्ट, जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम हैं
चाहे वो हमारा यूनिवर्स हो, हम यूनिवर्स को हम तो नहीं चला रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो यूनिवर्स है या फिर जितने आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एनर्जी का मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इन सारे चीज़ों की जो एंट्रोपी होती है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से आता है, एंट्रोपी से बेसिकली यही दो तीन चीज़ें पूछता है, स्पेशली टीजीटी के लिए, टीजीटी वालों के, मतलब टीजीटी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, जितने भी मतलब हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती रहती है, और जितने आइसोलेटेड सिस्टम है सबकी एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, डेल एस इज इक्वल्स टू एस टू माइनस एस वन, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, एंड एंट्रोपी इज नथिंग बट इट्स अ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और डिस्टर्बेंस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे चलें। एक पॉइंट आता है कि इसे नोट करके लिख लीजिए, मोर द रैंडमनेस इंक्रीजेस द एंट्रोपी, कह सकते हो एज अ रैंडमनेस इंक्रीजेज एंट्रोपी इंक्रीजेज, जितना डिस्टर्ब होगा उतनी उसकी ज़्यादा एंट्रोपी उसकी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट इसी में नोट डाउन कर लीजिए, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन मीन्स इट डजेंट डिपेंड अपॉन पाथ, बताया था ना मैंने आपको, एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, राइट स्टूडेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंट्रोपी से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, तीनों सिस्टम मतलब हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है, ये हमारा सपोज करो सॉलिड है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, ठीक है। सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये गैस हो गया। तो अब बताइए, इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, इसमें क्या है, ठीक है, मतलब ना बहुत क्लोजली पैक्ड है ना बहुत दूर है, और गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो रैंडमनेस बताइए किस में सबसे ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, डिस्टर्बेंस किस में सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली गैस में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वेरी फार अपार्ट मीन्स दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, वेयर एज लिक्विड देन कम टू सॉलिड, ठीक है। तो कह सकते हो कि एंट्रोपी का ऑर्डर या रैंडमनेस का ऑर्डर जो है वो गैस के लिए ज़्यादा होगा देन लिक्विड के लिए देन कम टू सॉलिड, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हमारा जो डेल एस होता है, डेल एस इज इक्वल्स टू क्या बताया था, एस टू माइनस एस वन, तो ये डेल एस होता क्या है, क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, इसको याद कर लीजिए, ये मेन इक्वेशन है एंट्रोपी की, ठीक है, क्यू ऑफ रिवर्सिबल अपॉन टी, जहाँ पे क्यू क्या है स्टूडेंट, Q है एब्जॉर्ब हीट ऑफ क्वांटिटी, Q is एब्जॉर्ब्ड हीट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी एब्जॉर्ब हीट ऑफ क्वांटिटी रिवर्सिबल अपॉन T, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंट्रोपी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एंट्रोपी देखेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड दिस थर्मोडायनेमिक्स। तो आपके थर्मोडायनेमिक्स इतने ही हैं, मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आप लोग को डिस्कस कराई हैं, तो आप लोग बस रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है, 10 बार पढ़ोगे आप उस चीज़ों को तो आपके एकदम दिमाग में चली जाएंगी। वैसे मैंने आपको जिस तरीके से पूरा थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है, आप खुद ही फील कर रहे होगे कि इट्स सो ईजी, राइट, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत बेसिकली है नहीं। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी, मतलब थर्मोडायनेमिक्स फिनिश होने के बाद, तो उसके बाद फिर
देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।